उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें कोई भी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जब दिल्ली में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ में कुछ देरी हुई तो इसको लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। सपा प्रमुख ने इसे भाजपा की साजिश बताया और इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुछ देर बाद उनके हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली थी। अब इस घटना को लेकर सरकार सूत्र ने स्पष्ट किया है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश ने झूठे आरोप लगाए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ में देरी का जो आरोप अखिलेश ने लगाया है वो गलत है। उनका कहना है कि कमर्शियल फ्लाइट को उड़ाने में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर की ईंधन भरा जा रहा था जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर ने देरी से उड़ान भरा। हेलीकॉप्टर में ईंधन भरने का काम पूरा होते ही अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। गौरतलब है कि जब अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उड़ने में देरी हुई तो अखिलेश ने आरोप लगाया कि एक बड़े बीजेपी नेता के हेलीकॉप्टर को बिना रोके उड़ा दिया गया। वहीं उनके हेलीकॉप्टर को बेवजह साजिश के तहत रोका गया। उधर इन आरोपों के बाद भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अखिलेश हार की बौखलाहट में ऐसा कह रहे हैं, भाजपा इस तरह के काम नहीं करती है। दरअसल शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव का चुनावी कार्यक्रम था। इसी सिलसिले में दिल्ली से मुजफ्फरनगर हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे थे। खबर है कि अखिलेश यादव शनिवार को गाजियाबाद शामली के दौरे पर भी जाएंगे।